जब मैं आपको बोलती हूँ कि ये इशू है, ये पर्सन है, ये इसका कॉज है, ठीक है, पहले इशू को चैनल कीजिए, पर्सन को चैनल कीजिए, कॉज को चैनल कीजिए, फिर से पर्सन को सॉरी, ये इशू, ये पर्सन, ये कॉज, ठीक है, पहले इशू को चैनल कीजिए, पर्सन को चैनल कीजिए, फिर कॉज को चैनल कीजिए, ठीक है। आपको थोड़ी कहानी समझ में आई? इतना खुलने के बाद वापस आप इधर आएंगे, वापस आप चैनल करेंगे। सो 2-3 बार पहले आप इसी को चैनल करेंगे। आर यू गेटिंग मैम, मी? कैन यू रिपीट? कम से कम 2-3 बार ऐसे वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को चैनल करेंगे। अच्छा, वन आफ्टर वन, इश्यू, पर्सन, कॉज, अगेन इश्यू, पर्सन, कॉज। हाँ, 2-3 बार पहले स्टोरी निकालिए क्या है। मान लीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट में फादर आ गए कि फादर की वजह से नहीं है या फादर के कोई एंसेस्टर, तो वो आप ऐड करते जाओगे। जब आप एक एलिमेंट ऐड करोगे तो ये जितने एलिमेंट्स हैं इनकी एनर्जीज भी चेंज होती है। आर यू गेटिंग मी? इनकी भी यस मैम, एनर्जी चेंज होगी। ये जब आएगा तो क्लाइंट को कैसा लग रहा है, इशू में क्या हो रहा है, कॉज में क्या आया, ओके, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कर्सेस यहाँ रखे जाते हैं, कोई भी जो है बिलीफ है वो नीचे रखा जाता है, हम उसको खड़ा नहीं करते, खड़ा तब करते हैं जब लास्ट में उसको रिलीज करते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सो आज रोहित जी तो मैम। एनिंग, मैम चैनल करेंगे उसमें, फर्स्ट इशू को चैनल करेंगे, सेकंड क्लाइंट को, फिर कॉस को। आप केवल इशू को ही आगे बढ़ा के रख सकते हो कि ये इशू है मेरा, इसी को चैनल नहीं, करते हुए फर्स्ट भी टाइम आप जो आखिरी दूसरे टाइम जो एलिमेंट्स चैनल ला सकते हो। करना है। ओके ओके अच्छा, जरूरी ओके नहीं कि ठीक है तीनों मैम, रखो, ओके ठीक है आप मैम। एक-एक करके भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपने ये लिया, फिर आपने ये चैनल किया कि इसमें क्या हो रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम इनका इक्वालिटी का करते हैं, बिकॉज शी इज प्रेजेंट टुडे, हु इज गोना चैनल इक्वालिटी सेशन? आप खुद करेंगे इकबाल जी? अच्छा, कपिल जी चैनल करना चाहते हैं, वेरी नाइस, यस कपिल जी। मैम मेरा हाथ तो हमेशा खड़ा रहेगा, आप बुलाओ ना बुलाओ, मैं हाथ जरूर खड़ा कर दूंगा। नहीं, डेफिनेटली, देखिए ये तो एनकरेजमेंट वाली बात है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही धीरे धीरे आपके इंट्यूशंस खुलेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे आपको चैनल करना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओनली थिंग थोड़ा फोकस करना पड़ता है और डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा आप फट 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 करना शुरू कर देंगे। ये भी याद रखिए कि जैसे कृष्णा जी चैनल कर रहे हैं या प्रीति जी चैनल कर रही हैं, उनका अपना एक स्टाइल होगा। अब आप देखो कृष्णा जी ने बहुत डिफरेंट तरीके से किया, प्रीति जी बहुत डिफरेंट तरीके से करते, तो यू आर डिफरेंट ऑलवेज। ओके, आप सबकी तरह चैनल, आप अपनी तरह चैनल करेंगे। ओके, चलिए।